हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल विजी शोज़ ऑफ। अभी मैं फर्स्ट रोड ट्रिप ऑफ द ईयर के लिए जा रहा हूँ ऑफ 2021। पैकिंग हो चुका है, सैडल बैग है और हेलमेट भी रेडी है, ग्लव्स और जो भी कवच कुंडल पहनते हैं वो सब रेडी है, जैकेट भी रेडी है और मेरा एक बैकपैक रेडी है जो मेरे साथ रहेगा। मैं बेसिकली जा रहा हूँ गिर फॉरेस्ट गुजरात फॉर सीइंग लायन सफारी। अभी ये खाली 5 दिन का टूर है और हम 3 ही लोग हैं और मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज खाली 3 बज चुके हैं, ये 20 मिनट आगे है, 3 बज चुके हैं, सब सोए हैं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे निकलना है अभी इमिनेटली, 3:45 AM को मुझे फाउंटेन होटल पहुँचना है। वहाँ पर विनीत भाई और सोहेल भाई मेरे लिए मिलेंगे और फिर हम मोस्टली 4 बजे तक निकलेंगे फॉर गिर फॉरेस्ट। बाइकर इज रेडी, द बाइक इज रेडी, लेट्स रॉक। AM on 24th February 2021, ट्रिप शीट ओडोमीटर इज 54184 एंड मेरा गिर फॉरेस्ट का राइड अभी चालू होता है। लेट्स रॉक। गणपति बप्पा मोरिया। द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इज फाउंटेन होटल पुलिस चौकी, जहाँ पे मैं सोहेल भाई और विनीत भाई को मिलूँगा, फिर हम साथ में निकलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे होने चाहिए अगर वो लोग टाइम पे है तो मैं आपको डायरेक्टली फाउंटेन होटल मिलता हूँ। गाइस, वी आर इन फाउंटेन होटल, सोहेल भाई ऑन रिकॉर्ड लेट आए हैं, तो अभी हम लेकिन इनकी गलती नहीं है, वो ट्रैफिक मिला है। विनीत भाई, सोहेल भाई, एक्चुअली वी आर रीयूनाइटिंग। हम लोग कच्छ ट्रिप हमने साथ में किया था, तभी हम 9 लोग थे, अभी हम खाली 3 लोग हैं और तभी हम लोग भी रूम पार्टनर थे और अभी भी रूम पार्टनर ही रहेंगे बिकॉज अभी हम लोग 3 ही लोग हैं। तो वी विल रियली एन्जॉय, आई नो दैट अपनी कमराडरी मस्त चलती है, लास्ट टाइम मस्त चली थी और हर राइड में मस्त चलती है, तो ये टाइम भी हम रॉक करेंगे। अभी हम निकलेंगे और मैं आपको डायरेक्टली सनराइज़ में मिलूंगा बिकॉज अभी पूरा अंधेरा है, 4:30 AM हो रहा है तो कुछ दिखेगा नहीं रोड पे, तो मैं आपको जल्द मिलूंगा। या हम वलसाड पहुंच चुके हैं, मेरे साथ सोहेल भाई हैं। 210 किलोमीटर हो चुका है मेरे घर से एग्जैक्टली, 750 किलोमीटर्स टू आवर होटल फ्रॉम माय होम। सो वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड, इट्स नाउ बी 7:10, 7:15 हो गया है और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं इधर, यहाँ पे टी पोस्ट ऑन द रोड। सो इट्स अ गुड, सीम्स टू बी गुड प्लेस, उपमा चाय पोहा वगैरह सब मंगाया हमने भी, कॉफ़ी राजा जी खा लेंगे। हाँ, फिलहाल तो अभी हम गुजरात में हैं तो अभी वेज से काम चलाना पड़ेगा, अभी देखते हैं। अभी आई रिमेम्बर कि हम जब कच्छ गए थे तो खाली वेज खाया था हमने, एक्सेप्ट फॉर लास्ट डे आई थिंक, जब हमको नॉन क्या खाया था हमने, पापड़ा जलेबी हाँ वैसा कुछ तो खाया था, तो वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं था। तो यहाँ पे उपमा पोहा मंगाया तो ठीक है, अभी यहाँ पे इडली डोसा तो मिलेगा नहीं, तो ठीक है अभी जो भी है काम चला लेंगे। अभी विनीत भाई शायद वॉशरूम गए, फिर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे जल्दी यहाँ से, अच्छे स्पीड में जा रहे हैं हम। विनीत भाई मस्त लीड कर रहे हैं और टेल में सोहेल भाई हैं सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। हम वलसाड से निकल चुके हैं, अभी 8:15 बज रहा है और ओडोमीटर के मुताबिक मैं 208 किलोमीटर आ चुका हूँ
तो अभी 50 किलोमीटर के बाद हम टैंक फिल करेंगे सो दैट वी आर ऑल इन सिंक। हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है पेट्रोल भरने के टाइम, सो हम सब साथ में फिल करेंगे। अभी और 168 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली ये रोड पे जाना है हमको अभी अहमदाबाद के रोड पे, उसके बाद हम एक लेफ्ट टर्न मारेंगे। तो विनीत भाई ने वो रूट सब देख लिया है तो वो लीड कर रहे हैं पहले से ही। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रेक ले लिया हमने थोड़ा, लेकिन अभी अभी ऐसे डिसाइड किया है कि 100 किलोमीटर्स में एक छोटा छोटा ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स का ऐसा, सो फ्रेश भी रहेंगे और एंथुसियाज्म भी रहेगा अपने को बाइक चलाने के लिए। फर्स्ट पेट्रोल फिल टैंक, फर्स्ट ऑफ ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे 88.28 है गुजरात में। मुंबई में तो ऑलमोस्ट 100 टच चुका है, 100 टच हो चुका है। पांडोली गाइस लंच के लिए रुके हैं, अभी 12:30 हुआ है 12:30, और पांडोली करके जगह है वहाँ पे पहुँचे हैं और एग्जैक्टली और अभी 300 किलोमीटर हम अवे हैं फ्रॉम जूनागढ़ आवर होटल दैट इज़। सो अभी शायद एक घंटा इधर निकलेगा, 1:30 बजे तक शायद निकलने चाहिए हम सब। घर पर पे फोन कर रहे हैं हम लोग, बहुत थक चुके हैं हम लोग, थोड़ा भी क्या खा रहे हैं हम लोग, काजू पता नहीं अभी विनीत भाई ने क्या मंगाया पता नहीं, बस अभी काजू अंगारा सेव टमाटा, काजू अंगारा सेव टमाटा चपाती सब गुजराती आइटम है। छाछ, अच्छा अच्छा, तो अभी दबा के खाना है फिर दबा के चलाना है। हाँ, 300 चलाना है 300 किलोमीटर चलाना है। क्या सस्ती रहे और एक 90 दे। अभी सेकेंड टाइम फिलअप किया है, अभी 256 किलोमीटर और हो गया है। सो हमने अभी तक 265 और 255, सो 520 किलोमीटर चला है और हमको 230 किलोमीटर जाना है, टोटल 750 किलोमीटर है। सो मंजिल के काफ़ी करीब, अभी पता नहीं शायद 3-4 घंटा और लगे, हम और एक ब्रेक ज़रूर लेंगे, हम ब्रेक तो वैसे ले रहे हैं तो शायद और 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा, 4 घंटा तो लग ही जाएगा शायद। किलोमीटर बाकी है, हमने छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है छाव में, काफ़ी गर्मी है एक्चुअली, मॉर्निंग जैसा प्रेजेंट था, धूप निकलने के बाद काफ़ी गर्मी हो रही है, आई मीन डायरेक्ट सन लग रहा है ना, तो एंड किधर भी झाड़ नहीं है रूट में, किधर भी झाड़ नहीं है एक्चुअली, सो छाव में ज़्यादा चलाने नहीं मिल रहा है तो एनर्जी सैप हो रहा है, तो ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी और स्टिल 130 किलोमीटर जाना बाकी है, हालत पतली है। जूनागढ़ करीब 50 किलोमीटर है हमारा होटल, करीब 50 किलोमीटर और सनसेट होने को है। अभी 6:38 बज रहा है, 6:38, और सन देखिए
बहुत खूबसूरत लग रहा है, अभी सनसेट होने ही वाला है, पूरा रेड रेड दिख रहा है पूरा। अभी मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ होटल पहुँचने के बाद। हम बाइक सूरज जूनागढ़ में चेक इन कर चुके हैं, चेक इन प्रोसेस चल रहा है और अभी हम एक 109 रूम में जाएंगे। रूम मैंने देख लिया है, बहुत अच्छा रूम है, मैं आपको भी रूम दिखाता हूँ वंस वी गो अप। रूम 119 एंड लुक एट द रूम, सो स्पेशियस एंड एसी रूम है, वी विल बी स्टेइंग हियर टू नाइट्स, क्वाइट स्पेशियस रूम्स, लव्ड इट इन फैक्ट एंड इवन द बाथरूम इज नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा रूम है। सो फाइनली सेटल डाउन, सब बैग पैक सब रख दिया है, रूम बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा लगा रूम, दो दो एसी है, मस्त जम के रहेंगे और सोएंगे अभी इधर खाना खाने के बाद। देखो 8:15 बज रही है और अभी हम खाना खाने जाएंगे और वेरी टायरिंग रहा आज का ये, क्योंकि क्या है कि हम वेस्टर्न साइड में हम कंटिन्यूसली राइड कर रहे थे तो सूरज कंटिन्यूसली हमको हिट कर रहा था तो एनर्जी सैपिंग हो रहा था, बहुत टायर्डनेस फील हो रहा था, बट फिर भी ठीक है। सो ये मैं फिलहाल मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था आज, क्योंकि सुबह से मैंने जैकेट पहना हुआ था तो आपने मेरा टी शर्ट भी देखा नहीं होगा, ये टी शर्ट मैंने पहना है। सो मैं भी ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, डू शेयर भी कीजिए। मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा जूनागढ़ में, अभी हम घूमेंगे कल से तो कुछ प्लान्स है तो सब प्लेस देख नहीं पाएंगे लेकिन जितना भी हो सकता है हम कवर करेंगे अगले दो दिन में। फिर मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।